हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बुक रिव्यू के इस सीरीज में आज जो मैं बुक का रिव्यू करने वाला हूँ वो है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बाय जॉन एम सीनियर। तो ये बुक सीनियर के नाम से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का बेस्ट बुक माना जाता है। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या कोई भी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर गेट एग्जामिनेशन दिस बुक इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड आप अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ऊपर तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इधर इस बुक का साइलेंट फीचर्स दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और ये बुक का जो डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का डिस्काउंटेड बाय लिंक मैं दे दूंगा, उधर जाके आप क्लिक करके ये बुक को खरीद सकते हो, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये सैंपल कॉपी मुझे मिला था, एक्चुअली ये पियर्सन का पब्लिकेशन से है। तो इसका कंटेंट चेक कर लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन है, बेसिक जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का ये बारे में इंट्रोडक्शन एंड जनरल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर ऑप्टिकल फाइबर वेब गाइड के बारे में बोला गया है। फिर चैप्टर 3 में ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बोला गया है। एंड चैप्टर 4 में ऑप्टिकल फाइबर्स एंड केबल्स के बारे में बोला गया है। फिर चैप्टर 5 में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन जॉइंट्स कपलर्स आइसोलेटर्स ये सब चीज़ के बारे में बोला गया है। एक्चुअली कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड गेट में ये सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तब उधर पे देखना कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। चैप्टर 6 में आपको ऑप्टिकल सोर्स द लेजर के बारे में जानने को मिलेगा। चैप्टर 7 में आपको ऑप्टिकल सोर्स टू द लाइट एमिटिंग डायोड LED के बारे में बोला गया है। फिर ऑप्टिकल डिटेक्टर्स के बारे में बोला गया है चैप्टर 8 में। चैप्टर 9 में आपको डायरेक्ट डिटेक्शन रिसीवर परफॉर्मेंस एंड कंसीडरेशन के बारे में बोला गया है। फिर चैप्टर 10 में ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन वेव लेंथ कन्वर्शन एंड रीजेनरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। चैप्टर 11 में इंटीग्रेटेड ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स के बारे में बोला गया है। चैप्टर 12 में आपको ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन एंड डायरेक्ट डिटेक्शन के बारे में जानने को मिलेगा। चैप्टर 13 में आपको कोऑर्डिनेट एंड फेज मॉड्यूलेशन के बारे में जानने को मिलेगा। चैप्टर 14 में आपको ऑप्टिकल फाइबर मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर ऑप्टिकल नेटवर्क के बारे में बोला गया है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो आप बुक का, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी किया गया है। So thank you for watching this video. If you find the video is helpful, then you can subscribe my YouTube channel and share this video with others. Description में मैं बाकी बहुत सारे book का review कर रखा हूँ, उसका जो playlist का link है वो दे दूंगा, आप click करके देख सकते हैं।